तो शूर्पणखा खाने भारत का पुष्कर तीर्थ में आके लगभग 10,000 वर्ष तक तपस्या किया और तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया और महादेव जी से वर मांगा कि मैं रामचंद्र को अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, हे राक्षसी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र एक पत्नी व्रता है, द्वापर के अंत में वो श्री कृष्ण बन के आएंगे और उस समय तुम कुब्जा के रूप में आओगे और तुम्हारे चंदन द्वारा तुमको स्वीकार कर लेगा। उस समय तुम प्रेम प्रस्ताव देना, तुम्हारे प्रेम को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करेंगे। वही कुब्जा, मतलब जो कुब्जा, वही शूर्पणखा है जो कुब्जा बन के आई है, ये उनका पूर्वजन्म की कथा।